मैं हूं मनीषा चोला, वैश्यपान न्यूज में आपका स्वागत है। रुक करते हैं व्यापार जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों की ओर। गाजीपुर के त्रिलोकपुर गांव के दक्षिण तरफ सिवान में दोपहर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस आग में देखते देखते चार किसानों की कुल 25 बीघा फसल जल गई। वहीं सूचना के बावजूद फायर ब्रिगेड के समय पे ना पहुंचने पर ग्रामीणों में रोष व्याप्त रहा। बता दें, हाई टेंशन तार की चिंगारी से आग लगने से ये घटना घटी। इस आग में प्रधान मोती यादव, खिदारू राम और सुरेश सिंह की फसल जलकर खाक हो गई। आपको बता दें कि पूरे जनपद में आग बुझाने का जिम्मा जिला मुख्यालय का है। जिले में 7 तहसील होने के बावजूद किसी भी तहसील स्तर पर अग्निशमन की व्यवस्था नहीं है। टाटा स्टील में कार्यरत कर्मचारी के अपराधियों ने गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने तालसा ग्राम की पहाड़ी से देर शाम उसका शव बरामद किया है। वही युवक की पहचान उसके मोबाइल पर आए एक कॉल पर संपर्क करने के दौरान हुई। युवक कदमा का रहने वाला है, उसका नाम कुमार सौरभ बताया जा रहा है। सौरभ टाटा स्टील के सिंटर प्लांट में कार्यरत था। वहीं पुलिस भी घटना के बाद से जांच में जुट गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वादा किया कि नई वस्तु एवं सेवा कर यानी GST व्यवस्था में कर की दरें तय करते समय किसी तरह का हैरान करने वाला फैसला नहीं लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कर दरें मौजूदा स्तर से उल्लेखनीय रूप से अलग नहीं होगी। बता दें, वित्त मंत्री जेटली की अगुवाई वाली GST परिषद की 18 से 19 मई को श्रीनगर में बैठक होने जा रही है, जिसमें विभिन्न वस्तु और सेवाओं पर कर की दरों को अंतिम रूप दिया जाएगा। यूपी में मिली हार के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि जब रिमोट की मदद से चिप से पेट्रोल की चोरी बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के हो सकती है, तो ये EVM में भी संभव है। अखिलेश का मानना है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में EVM में टैम्परिंग की गई थी। साथ ही साथ ये भी कहा कि हमको हर तरह से किसी भी टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल रोकना होगा, ये सभी के लिए बेहद हानिकारक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि अब बैंक गंदे या लिखे हुए नोट लेने से इनकार नहीं कर सकते। साथ ही ये भी कहा कि ऐसे नोटों को बेकार नोट माना जाना चाहिए और RBI की साफ नोट नीति के मुताबिक इससे निपटना चाहिए। सरकार रेलवे के व्यस्त मार्गों पर ऐसी योजना बनाने जा रही है जिससे 2021 तक हर यात्री को जरूरत के मुताबिक कंफर्म टिकट मिल सके। वहीं रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि रेलवे व्यस्त रूट पर और यात्री ट्रेनें पेश करने की योजना पर काम कर रहा है। साथ ही कहा कि मालगाड़ियों के लिए अलग से बनाए जा रहे कॉरिडोर के बाद ऐसा संभव हो सकता है। साथ ही ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिए दिल्ली से हावड़ा और दिल्ली से मुंबई रूट को अपग्रेड किया जा रहा है। यूपी के बाद अब राजस्थान में भी इलेक्ट्रॉनिक चिप के जरिए पेट्रोल पंपों में तेल चोरी का मामला सामने आया है। चित्तौड़गढ़ के जालमपुरा में HPCL के शिवाली फिलिंग पंप पर छापा मारा गया। छापे के दौरान इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। ग्राहक कई दिनों से इस पेट्रोल पंप पर कम पेट्रोल मिलने की शिकायतें कर रहे थे। यहां जांच के दौरान मीटर के अंदर की सील टूटी हुई मिली। वही फीलिंग मशीन के भीतर डिवाइस चिप लगाकर ग्राहकों को ठगा जा रहा था। देश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई नीति बना रही है। इस नीति के जरिए लड़ाकू विमान, जहाज और पनडुब्बियों का आयात कम कर देश में ही इनका निर्माण करना है। वहीं इस नीति के तहत वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उद्योग चैंबर CII की सालाना बैठक में ये बात कही। साथ ही कहा, इस नीति के जरिए सैन्य उपकरणों का आयात घटेगा और घरेलू रक्षा विनिर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। भारत में जन्मे गूगल के CEO सुंदर पिचाई को पिछले साल वेतन में कंपनी से $200 मिलियन यानी लगभग 13 अरब रुपए मिले। बता दें, 44 साल की पिचाई को साल 2016 में मिली रकम पिछले साल 2015 के मुकाबले दोगुनी है। वही देखा जाए तो सुंदर पिचाई के CEO बनने के बाद गूगल की सेल में बम्पर इजाफा हुआ है। देश में अरबपतियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। फोर्ब्स की अरबपतियों से जुड़ी लिस्ट का एनालिसिस सामने आया है, जिसके मुताबिक भारत में साल 2010 से अब तक देश में हर 33 दिन बाद एक अरबपति बना है। बता दें, फोर्ब्स की जारी लिस्ट में 2017 तक 101 भारतीय अरबपतियों ने जगह बनाई है। 101 में से 70 अपने दम पर अरबपति बने, जबकि 31 पारिवारिक संपत्ति से बने। NGT के आदेश के मुताबिक दिल्ली परिवहन निगम ने अलग अलग रूट्स पर डायरेक्ट बस सर्विस की योजना बना रही है। बता दें, इस बस सर्विस को डेस्टिनेशन सर्विसेज नॉन स्टॉप नाम दिया गया है। बता दें, इस नई योजना के तहत बसें सुबह से शाम पीक आवर्स में चलेगी। द्वारका, रोहड़ी, बदरपुर, जनकपुरी और पटपड़गंज में अलग अलग सेक्टरों से ये बसें चलेंगी। नॉन स्टॉप बसें डेस्टिनेशन पॉइंट पर सीधे पहुंचेंगी। वहीं ये सर्विस 1 मई से शुरू हो रही है, जिसमें रोजाना 40 ट्रिप होंगे। इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC ने 4 स्पेशल ट्रेन टूर पैकेज का ऐलान किया है। ये स्पेशल टूर पैकेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ साथ प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। बता दें, स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन जून और जुलाई के दौरान चलेगी। स्पेशल टूर पैकेज में दर्शन यात्रा होगी, जिसमें कीमत प्रति व्यक्ति 10,795 रुपये रखी गई है।
मेरे साथ खबरों फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वैश्यपान न्यूज। नमस्कार। Thank you.